LG 27GL650F। जैसे कि इसका मॉडल नंबर सजेस्ट करता है कि ये 27 इंच का मॉनिटर है और आई थिंक कि ये LG की तरफ से 1080p में सबसे महंगा मॉनिटर है। और इसका प्राइस कितना है? जी हाँ, 20,000 रुपीज़। और ये 20,000 रुपीज़ अभी अभी हुआ है, रिसेंटली मैंने इतना प्राइस देखा है, इतना कम प्राइस देखा है। इससे पहले जब मैंने इस मॉनिटर को परचेस किया था, जो मेरा पीछे है, तब यहाँ पे उसका प्राइस था ऑलमोस्ट 22,000 रुपये। तो अभी इसका प्राइस ड्रॉप हमें देखने को मिला है। और करंट प्राइसिंग जानने के लिए आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस मॉनिटर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या इतना महंगा मॉनिटर हमें खरीदना चाहिए, वो भी 1080p रेजोल्यूशन के साथ, या फिर इससे अच्छा तो ये है कि हम कुछ और पैसे जोड़ के एक 4K मॉनिटर ले लें। साथ ही साथ आपके दिमाग में शायद एक और सवाल आ रहा होगा, क्या 1080p में 27 इंच का मॉनिटर सही है, क्या वो देखने में उतना मज़ा आएगा? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमजीत, आप देख रहे हैं कि सोम यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से। इस मॉनिटर में आपको फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट है 144Hz। अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो GTG में इसका रिस्पॉन्स टाइम है 5 मिलीसेकंड और MBR में इसका रिस्पॉन्स टाइम है 1 मिलीसेकंड की। साथ ही इस मॉनिटर में आपको मिलती है HDR10 की सपोर्ट, तो ब्राइटनेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। मैं पर्सनली इस मॉनिटर को 0% ब्राइटनेस पे यूज़ करता हूँ, जो मेरे लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पे एक नॉर्मल आँखों के लिए ये मैं कहूँगा कि 40% ब्राइटनेस ही यहाँ पे सही रहेगा, उससे ज़्यादा जाना सही नहीं होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि अभी ये मॉनिटर 40% ब्राइटनेस पे है, तो ये कितना ज़्यादा ब्राइट है, तो आप शायद समझ पा रहे हो कि इस मॉनिटर की ब्राइटनेस लेवल किस हद तक है। अगर मैं यहाँ पे व्यूइंग एंगल और कलर एक्यूरेसी की बात करूँ, तो दोनों में ही आपको कोई शिकायत नहीं होगी। व्यूइंग एंगल इसका काफ़ी अच्छा है और कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा है। बेसिकली ये फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर है, तो इस रिगार्डिंग आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, डिस्प्ले ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी ग्लेयर में है, तो कोई रिफ्लेक्शन भी स्क्रीन पे नहीं होगी। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मॉनिटर NVIDIA की G-Sync और AMD की FreeSync को सपोर्ट करता है। इससे आपको कभी भी स्क्रीन टियरिंग या फिर स्क्रीन स्टटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी के साथ रिफ्रेश रेट वेरिएबल हो जाती है, वो किसी भी पोजीशन पे फिक्स्ड नहीं है। जिस हिसाब से किसी भी गेम की FPS होगी, उसी हिसाब से मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है वो चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली होता क्या है कि ग्राफिक्स कार्ड और मॉनिटर एक दूसरे के साथ बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जितने भी फ्रेम्स ग्राफिक्स कार्ड एक सेकंड में जनरेट कर रहा है, यहाँ पे मॉनिटर की रिफ्रेश रेट भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है। एग्जांपल के लिए GPU अभी अगर 60 फ्रेम्स जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर सीन में, तो मॉनिटर अपने रिफ्रेश रेट को बदल के कर देगा 60Hz। और अगले ही सीन में अगर फ्रेम रेट गिर के हो जाती है 30, तो रिफ्रेश रेट भी गिर के हो जाएगा 30Hz। और उससे अगले सीन में अगर फ्रेम रेट बढ़ के हो जाता है 90, तो यहाँ पे आपका जो मॉनिटर है, जो हमारा मॉनिटर है जिसमें G-Sync या फिर FreeSync टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, तो वो अपना रिफ्रेश रेट को बढ़ा के कर देगा 90Hz। तो एक कमाल का टेक्नोलॉजी है, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इससे ऑब्वियसली एनहांस होगा। यहाँ पे गेमिंग मॉनिटर है तो इतना तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ज़रूर पॉइंट है, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपको G-Sync की सपोर्ट चाहिए, तो आपको अपने मॉनिटर की डिस्प्ले पोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा, और ग्राफिक्स कार्ड में भी आपको डिस्प्ले पोर्ट को ही यूज़ करना है, अदरवाइज आपको G-Sync की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो सीधे शब्दों में यही है कि आपको डिस्प्ले पोर्ट केबल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इस मॉनिटर के साथ ही आता है। डिज़ाइन और लुक वाइज अगर मैं बात करूँ, तो इसमें तो LG ने कमाल कर दिया है। बेजल इस मॉनिटर की बिल्कुल पतला है, सिर्फ इस वाले को छोड़ के, तो डुअल मॉनिटर सेटअप में तो ये मॉनिटर कमाल का साबित होगा। बाय द वे, बॉटम बेजल पे एक छोटा सा LG का लोगो भी बना हुआ है। यहाँ पे इस मॉनिटर की एक खास बात मैं आपको बताऊं, इस मॉनिटर की जो डिस्प्ले है वो 45 डिग्री तक रोटेट हो सकता है, मतलब कि आप अपने मॉनिटर को भाटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो जो लोग प्रोग्रामिंग में हैं या फिर बहुत ज़्यादा वर्ड एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउज़र भी यूज़ करते हो और लंबे लंबे पेजेस पे स्क्रॉल करते हो, तो उसमें भी ये फीचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही इस मॉनिटर
की सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग से कोई फिजिकल बटन्स नहीं है, एक ही यहाँ पे जॉयस्टिक दिया गया है जिसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे और उसको प्रेस करके डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर नेविगेट कर सकते हो। और अगर आपको जॉयस्टिक यूज़ नहीं करना है तो LG की ही एक एप्लीकेशन आता है ऑन स्क्रीन कंट्रोल, उसको भी आप यूज़ करके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ब्लैक स्टेबलाइजर वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। एनीवे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैंड की, तो स्टैंड भी इसका काफ़ी स्टेडी है, काफ़ी भारी भरकम स्टैंड है, तो मॉनिटर अचानक सामने की तरफ गिर पड़ा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मॉनिटर यहाँ पे इतना बड़ा है तो स्टैंड भी भारी होनी चाहिए, अदरवाइज मॉनिटर अगर सामने की तरफ हो गया तो मॉनिटर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा मॉनिटर है, इतना भारी भी है मॉनिटर। जैसे यहाँ पे स्टैंड की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप मॉनिटर को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बेसिकली स्टैंड के अंदर एक छोटा सा हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है जिससे क्या होता है कि मॉनिटर इजीली ऊपर की तरफ हो जाता है जैसे आप उसको ऊपर की तरफ पुश करते हो, और जैसे आप मॉनिटर को नीचे की तरफ प्रेशर देते हो तो मॉनिटर नीचे हो जाता है। तो काफ़ी प्यारा एक मेकानिज़म है, यहाँ पे आप इसको देखिए तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस मेकानिज़म को देखने में। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बेजल इतना पतला होने के बावजूद भी मॉनिटर की जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे मॉनिटर्स में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो ठीक से नहीं दिया हुआ रहता, बेजल तो काफ़ी पतला कर दिया जाता है पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट ठीक से नहीं रहता है, जिससे क्या होता है कि अगर आप मॉनिटर को दोनों साइड से ऐसे प्रेस करते हो तो मॉनिटर अंदर से टूट जाता है, मतलब कि जो डिस्प्ले वो टूट जाता है, पर इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बाय द वे, इस मॉनिटर की डिज़ाइन में जो कलर थीम यूज़ की गई है वो मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा है। रेड और ब्लैक की कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, स्टैंड की सामने की तरफ पूरा ब्लैक बनाया गया है और पीछे की तरफ है रेड। मॉनिटर की अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे जो ये गोल पोर्शन है इसको रेड रखा गया है और ये अपने आप पे एयर वेंट्स भी है, और बाकी का पूरा पोर्शन है फुल्ली ब्लैक। साथ ही यहाँ पे LG का लोगो भी बना हुआ है और मॉनिटर की पूरी बॉडी ही ऑलमोस्ट मैट फिनिश के साथ आती है, बट कुछ पोर्शन में आपको ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे है कैंसिंगटन लॉक। और अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है कि कैंसिंगटन लॉक क्या है तो आप आई बटन पे चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। iOS में इस मॉनिटर में आपको दो HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक 3.5mm की ऑडियो आउटपुट मिल जाती है। ऑडियो आउटपुट की फ़ायदा यही है कि आप अगर चाहो तो अपने मॉनिटर में डायरेक्टली हेडफोन वगैरह प्लग इन कर सकते हो। बॉक्स एंड पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो बॉक्स के सामने की तरफ LG अल्ट्रा गियर गेमिंग मॉनिटर लिखा गया है, उसके नीचे आपको मॉडल नंबर और स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ की स्पेसिफिकेशन भी मेंशन की गई है, और दाईं तरफ यहाँ पे एक छोटे से स्टिकर में मॉडल नंबर, वाटेज, करंट और साथ ही कुछ ज़रूरी जानकारी भी दी गई है। इस बॉक्स की बैक साइड में भी कुछ वैसा ही लिखा हुआ है और दोनों साइड में भी यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अनबॉक्सिंग करने के दौरान आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, बॉक्स को उस तरफ से ही ओपन करना है जहां पे यहां पे ओपन हेयर लिखा गया है, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट को बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे, सील को कट करने के बाद जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको कुछ वार्निंग्स और कुछ इंस्टॉलेशन गाइड देखने को मिल जाएगी। बॉक्स में सबसे ऊपर हमें स्टैंड की बेस और स्टैंड देखने को मिल जाती हैं, साथ ही एक प्लास्टिक की बैग में हमें मिलती है डिस्प्ले पोर्ट केबल, केबल मैनेजमेंट क्लैंप, पावर अडेप्टर, उसकी कॉर्ड और कुछ पेपर वर्क्स, और साथ ही यहाँ पे एक CD भी देखने को मिल जाती है। पेपर वर्क्स में हमें मिलती है एक यूज़र मैनुअल, डिस्प्ले कैलिब्रेशन रिपोर्ट AKA डिस्प्ले क्वालिटी रिपोर्ट और वारंटी कार्ड। पावर अडेप्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो 19 वोल्ट पे 2.53 एम्पीयर करंट प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, इस थर्मोकोल के नीचे हमें मिलती है मेन यूनिट, तो हम आराम से बिल्कुल सावधानी से मॉनिटर को निकाल के साइड में रख लेंगे, बस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। चलिए अब कर लेते हैं मॉनिटर को असेंबल। असेंबलिंग काफ़ी इजी है, आपको सिंपली स्टैंड को इस स्लॉट में ऐसे डालना है और नीचे की तरफ ऐसे प्रेस कर देना है, बस अब लगाना है स्टैंड की बेस को, वो भी इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है। आपको सिंपली बेस को अपने जगह पे डाल के इस स्क्रू को रोटेट कर देना है, और इस स्क्रू को कसने के टाइम आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों से ही इस स्क्रू को कसना है, कोई स्क्रू ड्राइवर या फिर किसी तरह का कोई टूल आपको यूज़ नहीं करना है। तो अब इंस्टॉलेशन हो चुकी है कम्प्लीट, चलिए अब पावर कनेक्टर और HDMI पोर्ट को अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको जी सिंक यूज़ करना है तो आपको डिस्प्ले पोर्ट केबल को यूज़ करना पड़ेगा या फिर मॉनिटर की डिस्प्ले पोर्ट और आपके ग्राफिक्स कार्ड की डिस्प्ले पोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको जी सिंक यूज़ करना है तो, और NVIDIA की कंट्रोल पैनल से जाके भी कुछ सेटिंग्स को आपको चेंजेस करना है तभी यहाँ पे आप जी सिंक को यूज़ कर पाओगे। तो बातें तो मैंने बहुत कर ली, अब बारी आती है कुछ बेसिक टेस्ट करने की। तो पहले तो मैंने चेक किया कि इस मॉनिटर में कोई डेड पिक्सल तो नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप को प्ले किया था जो कि यहाँ पे सिंपली रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को अलग अलग बार दिखाएगा, जिससे यहाँ पे अगर कोई एक पिक्सल डेड है तो उस पोर्शन में मुझे ब्लैक स्पॉट नज़र में आ जाएगा। रिफ्रेश रेट को चेक करने के लिए मैंने हेल्प लिया है एक छोटे से टूल का, या फिर यू कह सकते हो एक ऑनलाइन टूल का, जिसका नाम है testufo.com। बेसिकली उस वेबसाइट का नाम है testufo.com। तो इसके ज़रिए टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, इस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट है 144Hz। इस मॉनिटर की एक और ख़ास बात जो मुझे यहाँ पे काफ़ी हैरान किया है, 27 इंच में 1080p मॉनिटर होने के बावजूद भी इसका जो पिक्सल्स हैं वो नज़र में नहीं आते हैं। एक मॉनिटर को यूज़ करने की जो नॉर्मल डिस्टेंस है जैसे कि 20 इंचेस, इससे अगर आप थोड़ा सा कम भी कर देते हो तो भी यहाँ पे पिक्सल्स नज़र में नहीं आते हैं। अगर आप बहुत पास से इस मॉनिटर को देखोगे तो मे बी यहाँ पे आपको पिक्सल्स नज़र में आ सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे LG ने एग्जैक्टली क्या किया है, पर जो भी किया है इस मॉनिटर के लिए वो काफ़ी सही हुआ है। यहाँ पे एक 1080p मॉनिटर है, 27 इंच का इसका साइज है, फिर भी इतना क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस मॉनिटर में एक और छोटा सा फीचर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्लिप दिया जाता है जिस क्लिप्स के जरिए यहाँ पे सारे के सारे जो वायर्स हैं वो पास हो गए। तो यहाँ पे अगर आपको वायर मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप वायर को बिल्कुल हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई भी वायर्स आपके मॉनिटर से ना दिखे, तो आप इस क्लिप को ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इतना तारीफ़ कर लेने के बाद अगर आप मुझसे पूछते हो कि इस मॉनिटर में खामियाँ क्या क्या है, तो मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है ये मॉनिटर, पर इसमें जो एक प्रॉब्लम है जो कि IPS डिस्प्लेस का ही प्रॉब्लम रहता है, वो है LCD ब्लीड। यहाँ पे LCD ब्लीड होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, पर होती है, मैं यही यहाँ पे कह सकता हूँ होता है, LCD ब्लीड होता है। यहाँ पे जब आप बिल्कुल डार्क रूम पे इस मॉनिटर को देखोगे तो यहाँ पे आपको LCD ब्लीड की प्रॉब्लम दिखेगी। अगर आप मॉनिटर को बिल्कुल ब्लैक रखते हो तो OLED डिस्प्ले की तरह बिल्कुल ब्लैक नहीं रहता है, थोड़ा सा इधर उधर जगह से आपको लाइट दिखेगी। तो यही है LCD ब्लीड। कुछ मॉनिटर्स में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ही कम है। यहाँ पे अगर हम पिक्सेल डेंसिटी वाइज बात करें तो अगर आप यहाँ पे पहले 4K डिस्प्ले यूज़ कर चुके हो 27 इंच का, और आप उसके बाद इस मॉनिटर को यूज़ कर रहे हो 1080p में 27 इंच, तो मे भी आपको यहाँ पे ये उतना शार्प ना लगे, ये मॉनिटर उतना शार्प ना लगे जितना 4K वाला है। पर यहाँ पे अगर आपने कभी भी 4K डिस्प्ले यूज़ नहीं किया है तो ये मॉनिटर आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जैसा कि मुझे लगा है। मैंने कभी भी आज तक 4K डिस्प्ले यूज़ नहीं किया है, तो मेरे लिए तो ये मॉनिटर बहुत ही अच्छा है। एक और छोटा सा प्रॉब्लम इस मॉनिटर के साथ मुझे यहाँ पे लगा है, इस मॉनिटर में कोई भी USB पोर्ट नहीं है। मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल मॉनिटर्स आते हैं जिसमें इनबिल्ट USB हब होता है, तो ये फीचर अगर इसमें होता तो और भी अच्छा होता, पर वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो इस मॉनिटर को गेमर्स को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन किया गया है, गेमर्स के लिए मॉनिटर है, इसीलिए इसके स्पेसिफिकेशन में गेमिंग टर्म मेंशन है। पर आखिर में एक गेमिंग मॉनिटर तो मॉनिटर ही है, तो चाहे आप किसी भी फील्ड पे हो, आप इस मॉनिटर को ज़रूर परचेस कर सकते हो। जैसे कि मैं गेमिंग से ज़्यादा वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम करता हूँ, पर फिर भी मैंने इस मॉनिटर को परचेस किया है और मैं इस मॉनिटर की परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश हूँ। और हाँ, अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो बहुत ज़्यादा मूवीज़ अपने कंप्यूटर में देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी मॉनिटर काफ़ी बढ़िया रहेगा। और अगर आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना चाहते मूवीज़ देखने के लिए, तो आप कोई एक फायर टीवी स्टिक खरीद सकते हो या फिर कोई एंड्रॉयड टीवी बॉक्स खरीद सकते हो, जिसको आप अपने इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके इस मॉनिटर की जो ऑडियो आउटपुट है उससे अपने हेडफोन को कनेक्ट करके इजीली मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हो, या फिर कोई साउंड सिस्टम में भी वो ऑडियो आउटपुट दे सकते हो। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, उसके रिगार्डिंग आपको जाना पड़ेगा आई बटन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने सारे लिंक्स दे दिया है, आप वहां पे जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो क्या ये मॉनिटर खरीदने लायक है? जी हाँ,
खरीदने लायक है। आप इस मॉनिटर को परचेस कर सकते हो। किस तरह के यूजर्स को ध्यान में रख के इस मॉनिटर को डिज़ाइन किया गया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेनली गेमर्स के लिए है, पर हर एक यूज़र इस मॉनिटर को ज़रूर परचेस कर सकता है या फिर परचेस करने से पहले एक बार ज़रूर देख सकता है। हर एक फीचर इस मॉनिटर में मौजूद है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस मॉनिटर में। आप अगर इसको खरीदोगे तो आप इसको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस मॉनिटर की कलर्स तो मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ पे प्लीज्ड हो चुका हूँ इस मॉनिटर की परफॉर्मेंस से। तो जो भी हो, मैंने तारीफ भी बहुत किया है और थोड़ा बहुत बुराई भी की है, तो जैसा भी हो ये मॉनिटर मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही पसंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही पसंद करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिए। इसी होते जाए मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही पसंद करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।